وصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شافي لسقيمي والشكر لمن أرحم من كل رحيم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانو وعم نوالو ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وعلى علی. حضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں عشرے اعتکاف میں سالہ سال سے درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جاری ہے. اس وقت آج کی نشست میں ایک حدیث پاک کا ذکر ہے جو اہل ایمان کے لیے بشارت کے طور پر ہے، خوشخبری کے طور پر ہے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور شعب الایمان مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے. بڑے محدث حضرت ابوبکر بن حسین بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. وعن عبد اللہ بن عمر، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزے عرض کریں گے، یا رب میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر. ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. فیشفعانی، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. یہ حدیث پاک. اس میں جو خوشخبری ہے وہ بندہ مومن اور مومنہ دونوں کے لیے ہے. روزہ اور قرآن کا اس میں ذکر ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ فرض ہے، سال میں ایک بار ایک مہینہ. قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے،
ताकि तुम परहेजगार बनो। तो ये महीना फ़र्ज रोज़ों का महीना है, नफली रोज़े इसके अलावा हैं। और फिर रमज़ान में क़ुरान मजीद की तिलावत कसरत से की जाती है, इसलिए दोनों का ज़िक्र आया। एक तो रोज़े रखे जाते हैं और वो फ़र्ज़ रोज़े हैं, उनकी अहमियत, उनकी फजीलत अहादीस में बिल्कुल मौजूद है कि रोज़ा बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की और फ़र्ज़ इबादत है और उसकी बड़ी फजीलत है, अहमियत है। तो उसके अहकामात और मसाइल अलग अलग वक्तों में बयान हो जाते हैं। एक तो रोज़ा और दूसरे क़ुरान। अब क़ुरान अगरचे माह रमज़ान के अलावा भी पढ़ा जाता है, मगर अगर आप ये देखें कि कसरत तिलावत की वो कब होती है, तो वो बेशक माह रमज़ान में होती है। बंदा ये सोचता है कि रमज़ान का महीना है, चलो एक कुरान तो कम से कम ख़त्म कर लूँ, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक तो हो जाए। तो माह रमज़ान में तिलावत कुरान होती है। अब नमाज़ों में अलग होती है, तरावी में खुसूसी तौर पर कुरान मजीद को दौर किया जाता है मुकम्मल, कहीं 27वीं शब में ख़त्म होता है जैसे हमारे यहाँ आज रात ख़त्म होगा, कहीं 21वीं शब को होता है, कहीं 23वीं शब को होता है, कोई उससे भी कम हो जाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं अपनी अपनी सहूलत के एतबार से। तरावी में हुफाज कुरान सुनाते हैं और जो लोग मुक्तदी हैं वो कुरान सुनते हैं। तो कुरान मजीद की जो तिलावत है वो वैसे भी बहुत अफजल ज़िक्र है, अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा है ज़िक्र, अज़िक्र। तो आम तौर पर भी जब भी कोई कुरान पढ़ेगा तो ये ऐसा होगा जैसे वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह ताला को याद कर रहा है। जितनी देर कुरान में मशगूल रहेगा, इबादत में रहेगा, चाहे वो कुरान अंदर दिल की आवाज़ से पढ़ रहा हो, यानी मतलब ये है कि बुलंद आवाज़ से ना पढ़ रहा हो। कुरान की तिलावत का कायदा क्या है कि आप कुरान को पढ़ो, ये नहीं कि सिर्फ देखकर नज़र से पढ़ो, ये तिलावत नहीं होती। तिलावत में होठों का हिलना, ज़बान का हिलना, जैसे बात करते वक्त हमारे होंठ हिलते हैं, हमारी ज़बान हिलती है, ऐसे तिलावत में ज़बान हिलेगी तो तिलावत कहलाएगी। चाहे वो खुफिया आवाज़ से पढ़ रहे हों, सिर्फ आपको पता चल रहा है, चाहे वो जहरी आवाज़ से पढ़ रहे हों, दोनों तरीक़े से तिलावत कुरान अफजल है। चुनाचे माह रमज़ान में रोज़े की हालत में भी कुरान पढ़ा जाता है, वैसे भी पढ़ा जाता है, मसाजिद में कुरान पढ़ा जाता है, घरों में मर्द व ख़वातीन कुरान मजीद की तिलावत माह रमज़ान में ख़ास कर करते हैं, ज़ौक व शौक़ के साथ। कोशिश होती है कि कम से कम एक कुरान मजीद हो जाए, और जिसको तौफीक होती है वो ज़्यादा भी कर लेता है अल्लाह की तरफ से। ऐसे बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो माह रमज़ान में 60 कुरान ख़त्म फरमाया करते थे, तो ये बड़ी तादाद है। इसी तरह बहुत से हज़रात ऐसे गुज़रे हैं जो एक रात में एक कुरान, एक दिन में एक कुरान, तो ऐसा भी है। ये अपनी अपनी अल्लाह ताला की तरफ से देन है, जिसको अल्लाह जिस तरह से बख्श दे।
बहरहाल जैसा भी हो जिस तरह भी हो, कुरान पाक की तिलावत बहुत अफजल अमल है। और कुरान की तिलावत करता है जब बंदा, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो अल्लाह से कलाम कर रहा है, क्योंकि कलाम इलाही को पढ़ रहा है। कुरान मखलूक नहीं है, वो कदीम है, अल्लाह का कलाम है। तो जब कोई कलाम अल्लाह का पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद अल्लाह को देख रहा है, यानी मिसाल के तौर पर, क्योंकि कलाम अल्लाह का है। तो अल्लाह का जमाल और जलाल दोनों तरह की आयात कुरान के अंदर मौजूद है। तो कुरान के अंदर वाक़यात मिलते हैं, किस्से मिलते हैं, कुरान में दुआएं मिलती हैं, कुरान में अहकाम मिलते हैं, कुरान में मसाइल मिलते हैं, फ़ज़ाइल मिलते हैं, दिनों के, रातों के, अंबियाए किराम की फ़ज़ाइल, सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल, अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल, औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल, ये कुरान में मिलते हैं आयात में। चुनाचे कुरान का पढ़ना एक नेमत है, अलावा रमज़ान के भी, मगर रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसलिए ये हदीस आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरानु यशफ़ानि लिल अब्द, कि कुरान और रोज़े बंदे की शफ़ात करेंगे। कब करेंगे? क़यामत में। क़यामत में सिफारिश करेंगे, ये है माना। शक्लों की सूरत में आएंगे, शक्लों की सूरत में कुरान का आना या रोज़ों का आना, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। कुरान में भी ऐसी बातें मिलती हैं, ख्वाब ऐसे मिलते हैं जो शक्लों की सूरत में देखे गए, अंबिया ने देखे और उसकी ताबीरें हुई। तो कुरान मैदान क़यामत में अल्लाह के पास आएगा, क्या कहेगा? मनअतुन नौमा बिललैली फशफ़ईनी फीही, अल्लाह मैंने इस शख्स को रात में सोने से रोका, यानी रात में या तो ये कुरान पढ़ता था या कुरान सुनता था, जैसे तरावी में हम सुनते हैं, जैसे शबीना होता है पूरी पूरी रात का, उसमें भी कुरान सुनाया जाता है, कुरान सुना जाता है। तो कुरान कहेगा रोज़े क़यामत बारगाह इलाहिया में, अल्लाह ये वो बंदा है जिसकी मैं गवाही देता हूँ कि ये मुझे पढ़ता था, मेरी तिलावत करता था, नींद को भी इसने छोड़ दिया, यानी सोने को मौकूफ़ रखा और कुरान पढ़ता रहा, तू मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, यानी इसकी मगफरत कर, इसको बख्श दे, अगर इस पर कोई गुनाह है तो वो माफ़ कर दे, इसके हक में ये कुरान की तिलावत को नेकियों के तौर पर कबूल फरमा ले, ये कुरान कहेगा। और रोज़ा क्या कहेगा? आई रब्बी इन्नी मनअतु तआमा वश्शहवाति बिन्नहारी फशफ़ईनी फीही, रोज़ा ये कहेगा, ऐ मेरे रब मैंने उसको दिन में खाने से रोका, यानी रोज़ा रखा है इसने, तो सहरी का वक्त ख़त्म होने पर खाना पीना छोड़ दिया सुबह सादिक पर, और ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुका रहा, तेरी खातिर, तेरी रज़ा में। तो रोज़ा कहेगा, ऐ अल्लाह मैं वो हूँ कि मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूँ कि मैंने इसे रोके रखा। रोज़े का एक माना है रुक जाना,
सौम अरबी में कहते रोज़े को, और उसका एक माना है रुक जाना। तो बंदा रुकता है खाने से पीने से। फिर रोज़े ने ये भी कहा, रोज़े क़यामत ये कहेगा, व शहवाती, कि नफसानी ख्वाहिशात से भी मैंने इसको रोका, गुनाहों से रोका, नफसानी शहवात से, ख्वाहिशों से रोका। रोज़े की हालत में ऐ अल्लाह मैं इसका रोज़ा हूँ, तू इसके हक में मेरी शफात कबूल कर ले, मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। तो जब ये कहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आएगा, फयुशफ्फअनी, दोनों की शफात कबूल हो गई बंदों के हक में, कुरान की भी और रोज़े की भी। अब इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि कुरान और रोज़ा ये इंसान तो नहीं है, रोज़ा अमल है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर ये शक्लों में आकर सूरतों में आकर सिफारिश करेंगे। तो इससे बात मालूम हुई कि जो वसीला है जिसको हम कहते हैं वसीला, वो बंदों का भी होता है और आमाल का भी होता है। तवस्सुल यहाँ आमाल का वसीला ये मालूम हो रहा है हदीस से, क्योंकि रोज़ा भी अमल है और तिलावत कुरान भी अमल है, यहाँ पर इंसान की बात नहीं हो रही। इंसानों में वसीला नबियों का और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, वो तो बहुत अफजल वसीला है। अमल हमारा हो सकता है कि नाकिस होने की बिना पर रद्द कर दिया जाए, जैसे हमारी नमाज, जैसे हमारा रोज़ा, जैसे हमारी तिलावत किसी वजह से अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, तो ये मुमकिन है। कोई कमी रह गई हो, कोई बेअदबी हो गई हो, कोई गुनाह हो गए हो, हमने माफ़ी भी ना मांगी हो, तो हो सकता है हमारी नमाज भी कबूल ना हुई हो, हमारा रोज़ा भी कबूल ना हुआ हो। ये मुमकिनात की बात हो रही है, मुमकिन है। उसी तरह तिलावत है कुरान, मगर जब हम अल्लाह के रसूल का वसीला पेश कर देते हैं तो फिर वो रद्द नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल की ज़ात पाक कामिल है, वो इंसान कामिल हैं, और अल्लाह ताला ने उनको अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में शान महबूबियत रखते हैं, हबीब भी हैं और महबूब भी हैं, नबी भी हैं और रसूल भी हैं, और बंदों के लिए शाफ़े भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी हदीस पाक में मौजूद है कि रोज़े क़यामत अल्लाह के हबीब महबूब गुनाहगार बंदों की, यानि मुसलमानों में से गुनाहगार बंदों की शफ़ाअत फरमाएंगे। यहाँ रोज़ा शफ़ात कर रहा है, यहाँ कुरान शफ़ात कर रहा है अमल के तौर पर, और वहाँ अल्लाह के रसूल नबी और रसूल होने की हैसियत से, उम्मत के रूहानी बाप होने की हैसियत से अपने गुनाहगार उम्मती की शफ़ात फरमाएंगे। उस वक्त के जब मैदान क़यामत में, मैदान महशर में भाग दौड़ लगी होगी, खौफ व घबराहट होगी, परेशानी का आलम होगा, अंबिया किराम भी होंगे वहाँ, गुज़िश्ता उम्मतें भी होंगी वहाँ, उम्मतें अपने अपने नबियों की तरफ देख रही होंगी कि ये हमारी सिफारिश कर दें, ये हमें बचा लें पकड़ से, अजाब से, सजा से, मगर उनके नबी उनके रसूल ये काम नहीं करेंगे। उस दिन जब उम्मत उनके पास जाएगी तो वो कहेंगे तुम जाओ
इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, ये चार्ज उनके पास है, ये जिम्मा आज के दिन बख्शवाने का ये मोहम्मद के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खिदमत में जाओ। अब सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, आप ही हमें बचाएं, बख्शवाएं हमें। उस वक्त हुज़ूर फरमाएंगे, हाँ इस शफात के लिए मैं हूँ, अल्लाह ने ये इख्तियार मुझको दिया हुआ है, ये जिम्मेदारी आज मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें बख्शवाऊँ। मेरे जद्द अमजद ने एक नाते शरीफा में एक शेर लिखा है, फरमाया, सब गुनाह धुल जाएंगे उम्मत के ऐ कोताह नज़र, ऐ कोताह नज़र यानि ऐ नज़र की कमी वाले, तेरी नज़र कमज़ोर है, तू ये नहीं देख सक रहा, तेरी नज़र वहाँ तक नहीं जा रही, सब गुनाह धुल जाएंगे उम्मत के ऐ कोताह नज़र, तूने देखा ही नहीं दरिया रसूलुल्लाह का। सुभानअल्लाह वबिहम्दी सुभानअल्लाह अलअज़ीम, तूने रसूलुल्लाह का दरिया नहीं देखा, वो दरिया रहमत का दरिया है, रहमत का समंदर है, वो जब गुनाहों को धोएगा तो तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे, तू पाक साफ हो जाएगा, बख्शा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहाँ पर जो बात मालूम हो रही है वो आमाल की मालूम हो रही है, कि बंदे के नेक आमाल भी सिफारिशी बनेंगे। शायद आपने सुना हो, बकरईद में हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, जो हलाल जानवर है कुर्बानी के लिए मखसूस हैं, वो जो जानवर उनमें से हम कोई भी ना कोई जानवर, तौफीक जिसको होती है वो कुर्बानी करता है। उसके बारे में भी ये हदीस है कि कुर्बानी का जानवर अपने खुरों से, अपने सींगों से, अपने बालों से, अपनी खालों से मैदान कयामत में आएगा, और अपने कुर्बानी करने वाले के बारे में अल्लाह से अर्ज़ करेगा, फरियाद करेगा, ऐ अल्लाह ये वो है कि इसने मुझे तेरी राह में कुर्बान किया था, मैं वो जानवर हूँ, तू मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। अब आप देख लें कि बंदे के आमाल जो नेकी में हो रहे हैं, कहीं कुर्बानी सिफारिश कर रही है, कहीं रोज़ा शफात कर रहा है, कहीं कुरान की तिलावत शफात कर रही है, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, तो हमें तो बड़ा शुक्र करना चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ने हमें रोज़े की भी तौफीक दे दी, ये रोज़ा हमारे लिए ढाल बनेगा बख्शिश के लिए, ये कुरान की तिलावत हमारे लिए हथियार बनेगी बख्शिश के लिए, हमारे लिए ढाल बनेगी, ज़रिया बनेगी, तो हमें तो शुक्र करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम खुश नसीब हैं कि हमें रोज़ा मिला, हमें कुरान मिला, हमें कुर्बानी मिली। अब इन अमाल को खुश दिली के साथ करना, यानी ज़ौक के साथ, शौक के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, या ज़बरदस्ती नहीं, दिल के साथ कुरान की तिलावत, दिल के साथ रोज़ा रखना, और दिल के साथ कुर्बानी करना, सुस्ती से नहीं, जबरन नहीं, शौक से, दिल खोल कर कुर्बानी, दिल खोल कर रोज़ा रखना, दिल खोल कर तिलावत कुरान करना। तो अल्लाह तबारक व ताला इस हदीस पाक को सुनकर हमें माह रमज़ान के अलावा भी नफली रोज़े,
उनकी भी शफात हो जाएगी। और हर वक्त की तिलावत रमज़ान के अलावा भी जब मौका मिल जाए तिलावत कर लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, उसके साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे अल्लाह के रसूल, और रमज़ान में दो बार किया करते थे माह रमज़ान में। इसीलिए ख़ास कर तवज्जो दी जाती है माह रमज़ान में कुरान की तिलावत पर। अल्लाह ताला हमें नसीब करे। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। या अल्लाह, ये हदीस पाक का दर्स कबूल फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इसको नज़र फरमा, सहाबा किराम अहले बैत अज़ाम ताबईन तबा ताबईन औलिया कामिलीन रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन की बारगाह में नज़र फरमा, हुज़ूर सैयदना ग़ौसुल आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में नज़र फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुर्शिदाने पाक की अरवाह को सवाब पहुँचा, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ व अक़ारिब, हमारे भाई बहन, हमारे पीर भाई बहनें, या अल्लाह ताला इनको अजर व सवाब अता फरमा। आमीन। हमारे नाम अमाल में अजर व सवाब दाखिल फरमा। या अल्लाह, मैदान महशर में रोज़े को हमारे लिए शफात बना दे, शफात का ज़रिया कर दे, कुरान की तिलावत को हमारे लिए सिफारिशी बना दे। आमीन। कुर्बानी के जानवर को हमारे लिए शफात का ज़रिया बना दे। आमीन। या अल्लाह, हमारे नेक अमाल कबूल फरमा, उसमें जो ख़ताएँ हों, गुनाह हो जाएँ, उनको माफ़ फरमा। आमीन। बेरोज़गारों को हलाल रिस्क अता फरमा, बीमारों को सेहत शिफा अता फरमा, बे औलाद को नेक औलाद अता फरमा, बच्चे बच्चियों के घरों को आबाद फरमा, हराने जाने वाले को हिफ्ज़ अमान में रख। मुर्शिदाने पाक के जान व ईमान का फैज़ अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज रात तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल होगा। जो जो हजरात को मौका मिले वो आज की रात तरावी में हाज़िरी दें, और ख़त्म कुरान के मौके पर ख़त्म कुरान की दुआ में शामिल हो जाएं, और दुआ की कबूलियत की अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, और कुरान मजीद की तिलावत को आज आखिरी पारे की तिलावत जो हो रही है होगी उसको सुने, और कुछ अगर हाफिज़ साहिबान की खिदमत में हदिया वगैरह पेश करने की तमन्ना हो तो अपने साथ लेकर आएं ताकि पेश कर दिया जाए। अल्लाह ताला हाज़िरी की तौफीक बख्शे। फिर आज ही शब कदर की महफिल है, क्योंकि शब कदर आज है, लैलतुल कदर आज की रात को कहा जाता है, तो ख़त्म कुरान के बाद कुछ देर के लिए हमदोनात पढ़ी जाएंगी, और उसके बाद बयान शुरू होगा शब कदर के फ़ज़ाइल का, लैलतुल कदर के फ़ज़ाइल का, सूरतुल कदर की फजीलत का। तो उसमें भी आप शिरकत की कोशिश करें, हाज़िरी दें, और एक दूसरे जान पहचान वालों को भी इत्तला कर दें, इसका भी सवाब होता है। हमेशा याद रखना, आप जब आप किसी खैर की दावत किसी को देते हैं तो वो आए के ना आए, आपकी दावत खैर से खाली नहीं होती, आपको सवाब मिलता है। तो जिस किसी को आप जानते हों उनको आप महफिल की इत्तला दे सकते हैं, और हमेशा देना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता करे। सल्लल्लाहु ताला अला सैयदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।